Hello everyone, this is me, Satya here, and आपके लिए लेके आए हुए कॉल रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर राइट नाउ आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो अपने पर्सन के साथ और जानना चाहते हो कि क्या वो खुद आपको अप्रोच करेंगे या नहीं, ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी टू नो द आंसर और इसमें हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करेगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। जो भी स्पेसिफिक संबंध है आपके माइंड पे आप उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है राइट ना और जानना चाह रहे हो कि ये खुद अप्रोच करेगा आपको, खुद कॉन्टैक्ट करेगा हाँ या ना। पहले फर्स्ट फ्यू कार्ड्स हैं हमारे पास, एयर ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन अपनी उलझनों में उलझा हुआ है राइट नाउ, उसको कुछ चीज़ों के लिए सॉर्ट आउट करना है रास्ता अपना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि एक लंबी जर्नी है जिस पे दिस पर्सन हैज़ टू गो। फिलहाल उस जर्नी को कैलकुलेट करने की एक यू नो एक मुश्किल फेज में है आपका पर्सन राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन किसी लीगल मैटर में भी हो सकता है इन्वॉल्व्ड और चाहे ये लीगल बैटल वो विन करते हैं या लूज करते हैं, आपके पास एक्शन ज़रूर लेंगे। गिवन सिचुएशन में हो सकता है कि आपका ब्रेकअप या आपका बात ख़त्म होना इस वजह से हुआ हो क्योंकि ये अपनी पर्सनल लाइफ में किसी इशू से डील कर रहे हैं। क्या ये आपकी तरफ वापस आएंगे, एक्शन लेंगे? द आंसर इज़ अ बिग येस, बट इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसको 8 हफ्ते लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए, इसको 5 हफ्ते लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को चेंज होने में टाइम लगेगा। लेकिन पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा लेकिन इसको टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जिस भी रास्ते पे है राइट नाउ, जो भी सिचुएशन से डील कर रहा है, इट्स वेरी ट्रबलसम उस इंसान के लिए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा किसी उलझनों में मुश्किलों में पड़ा हुआ है फिलहाल, बट सिचुएशन चेंज हो जाएगी। पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा गिवन सिचुएशन में और बिलीफ रखना पड़ेगा कि चीज़ें अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता नहीं है कि इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद यू, यू नो जो भी ब्लॉक्स हैं आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, उसका रीज़न आप नहीं हो। उसका रीज़न इसके अपने पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में यू डोंट नो, बट आप एटलीस्ट उसका रीज़न नहीं हो। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा डजंट मीन कि वो कोई और इंसान के साथ इन्वॉल्व है। इट्स मोर अबाउट देयर पर्सनल इश्यूज़। पर्सनल इश्यूज़ हेल्थ से हो सकते हैं, वर्क से हो सकते हैं, फैमिली से हो सकते हैं, अपने कुछ पास ट्रामाज हो सकते हैं जिनसे डील करना है। कुछ लीगल मैटर्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं बिकॉज वी डू हैव द हेरोफेंट कार्ड, सो चांसेस हैं हो सकता है कि बिजनेस रिलेटेड इशूज़ हों, वर्क या लीगल यू नो जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस तरह के किसी चीज़ की इशूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन ज़्यादा अपसेट है। बट गिवन सिचुएशन में वो शायद वो आपके बारे में उस तरह से सोचेंगे नहीं क्योंकि वो इन चीज़ों से निपटना चाहते हैं। सो आफ्टर यू नो गेटिंग डन विद इट, चाहे वो उनके हक में फैसला जाता है या नहीं जाता, चाहे वो उनके हक में सिचुएशन बेहतर होती है या नहीं होती है, आफ्टर सम टाइम ये आपके बारे में सोचेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। सो डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा बट इसको टाइम लग सकता है, 5 हफ्ते लग सकते हैं, 8 हफ्ते लग सकते हैं, बट पर्सन एक्शन आपकी तरफ लेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के दरमियान में बेटर होना इज़ समथिंग विच इज़ डिस्टाइन टू हैपन। यू नो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा या पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा, डिलेज हो सकते हैं लेकिन ये होगा ज़रूर, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इस पूरे सिनेरियो के दरमियान में बदलेगा और आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन को डील करने के लिए। सो इंतज़ार है बट चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी, पर्सन खुद एक्शन ले लेगा आपकी तरफ, आपको जस्टिस मिल जाएगा गिवन सिचुएशन में, दैट्स फॉर श्योर। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो सकें। लेट्स फाइंड आउट।
गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि चीजें आपके लिए आसान हो सके। नॉट गोना टेक ऑल दीज कार्ड्स। आपके गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि चीज़ें रास्ते आपके लिए आसान हो सके, ताकि आपका जो वेट करना है वो आपके लिए आसान हो जाए। सी गिवन सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि आप जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो भी सिनेरियो है जो आप करंटली डील कर रहे हो, जिसमें नो कांटेक्ट चल रहा है, उसको कोशिश करो कि यू मेक द मोस्ट ऑफ इट बाय नॉट फोकसिंग ऑन कि बात नहीं हो रही या कुछ गलत हो चुका है कनेक्शन के अंदर। फोकस करो उन चीज़ों के ऊपर जो आप डिज़ायर करते हो और थिंक करो उन थॉट्स को जो कि पॉजिटिव थी। कोशिश करो कि अगर कुछ पास में कुछ फाइट भी हुई है तो उसका जब अपने माइंड में री इमेजिन करो तो उसका आउटकम जो है फाइट या एक नाराज़गी ना आउटकम इमेजिन करो, बल्कि थिंक ऑफ समथिंग जैसे कि चीज़ें उसी वक्त रिजॉल्व हो गई थी। और जब आप ये करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी रियलिटी में भी कुछ ऐसा हो जाएगा। सो देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस हार्नेस मिस्टिक पावर्स। डेफिनेटली आप में से मेजॉरिटी लोग बहुत ही हाई इंट्यूटिव सेंस रखते हैं और मेजॉरिटी लोग आप में से जो ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन सेंस की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फील एक इनर पीस कह लो, एक इनर वॉइस कह लो जो कि आपको रिमाइंड करवाता है बार बार कि स्टे पॉजिटिव। और आपके पास ये पावर है, स्पेशली अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है, एक डिवाइन फीलिंग आती है समटाइम्स कि एवरीथिंग इज गोना वर्क आउट, जो आप चाह रहे हो आपको मिल जाएगा, तो कोशिश करो कि आप इस पावर को यूज़ करो। सेट सम हाई इंटेंशन, सेट सम हाई गोल्स इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और चीज़ें वैसे हो जाएंगी आपका। स्पेशली अगर आप यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग, जर्नलिंग करते हुए, गोल राइट करते हुए, तो इट्स हाई टाइम कि यू यूज़ दिस अपनी इस गोल को भी मैनिफेस्ट करने के लिए। कोशिश करो कि एज यू वेट, वाइल यू वेट, मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में फन और लाइट जो है अपना एटीट्यूड रखो। कोशिश करो कि जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको एज यू वेट वाइल यू वेट कि वो चेंज हो, अपने आप को अपने बहुत ही पॉजिटिव रखना है। चेंज हैज़ बीन हैपनिंग, चेंज विल हैपन, जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा। आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है, जॉयफुल रहना है, अपने आप को अपबीट रखना है। हर वो चीज़ जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है, चाहे स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली है, शॉपिंग है, अपना ख्याल रखना है, आउटिंग है, स्टेइंग क्लोज टू नेचर है, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, डू दैट थिंग। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप में लाइट और हैप्पी और पॉजिटिव फील करोगे, उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ें जल्दी आसान हो जाएंगी। एक और चीज़ यहाँ पर मैंशन करूँगी, मेक श्योर कि आप अपने खाने पीने का ख्याल रखो। एज एन हैवी खाना नहीं खाओ, जहाँ पर आप लेथार्जिक फील करो खाकर, ऐसा खाना आपने नहीं खाना है। ऐसा खाना खाना है जिसे फील खाकर आप लाइट फील करो। सो या ये थ्री रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको कोई भी पर्सनल सर्विस चाहिए, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।